नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से बार बार मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है। खबरें भी इतनी रोचक हैं कि क्या करूं, किसी और को ना भेजकर खुद आपके पास आना पड़ रहा है। हर दो घंटे बाद कोई ऐसा बयान आ जा रहा है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति उबल जा रही है। और पत्रकारों का तो ये चरित्र है, उबलता हुआ कुछ भी देखकर हमें मजबूरी हो जाती है, हम थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के अपना चाय बना लेते हैं। अब अभी जो खबर आपको हम देने जा रहे हैं, इस खबर का मजनून जो है वो पहले ही तैयार हो गया था। नीतीश तेजस्वी एक साथ जब मिले थे और ओबीसी जनगणना को लेकर दबाव बनाया नरेंद्र मोदी पर, उस वक्त ही तय हो गया था कि चाचा भतीजा कोई खेला कर रहे हैं। अब चाचा भतीजा कोई खेला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो समय बताएगा ना, लेकिन अंदर के जो दूत हैं हमारे वो लगातार ये बात बता रहे हैं कि एक रास्ता मिल गया है नीतीश कुमार को एनडीए के जो कड़ी है उससे बाहर निकल कर धीरे से वापसी कर लेने का। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। भारत लाइव में आपको पंचनामा में हमने कई बार ये बातें बताई हैं कि नीतीश तेजस्वी का कोई नेचुरल अलायंस होता दिख नहीं रहा है, ना सामने हो पा रहा है ना पीछे हो पा रहा है। लेकिन मुद्दा आधारित मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकातों की वजह से क्या होता है ना, मुलाकातें कब प्यार में तब्दील हो जाए, कब प्यार गठबंधन में तब्दील हो जाए, यही जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं की वजह से बिहार में कई राजनीतिक चैनल जिंदा हैं। अब आप कहिए कि बाप भी तो उसी में से एक है, तो बिल्कुल सही है, हमने भी थोड़ी चाय पत्ती डालकर चाय बना लिया है और उस चाय का जो स्मेल है ना वो अब आना शुरू हो गया है। हमने आपको सुबह में ही बताया था कि भाजपा जो है वो दो फाड़ हो चुकी है। एक बड़ी टूट भाजपा में काफ़ी दिनों बाद हमें देखने को मिली है। सुशील मोदी और बिहार के वर्तमान दो उप मुख्यमंत्री में से एक तारकिशोर प्रसाद जी का कहना है कि सच में ये जो ओबीसी जनगणना है ये होनी चाहिए और भाजपा पर ही यानी अपनी पार्टी पर ही दबाव बना रहे हैं। वहीं इस पार्टी के पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता संजय पासवान ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे किसी भी जनगणना का कोई फायदा होने वाला नहीं है और इस जनगणना के इस राग पर इनका साथ हरकिशोर ठाकुर ने भी दे दिया है। अब ये एक अलग कड़ी है, इस कड़ी से इतर होकर अब इस पार्टी के महादिग्गज नेता भीष्म पितामह सीपी ठाकुर ने अपने वक्तव्य देना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम जब सीपी ठाकुर की चर्चा मैंने भारत लाइव पर की थी तो मैंने कहा था कि मेरे अलावा किसी और ने अगर पीएचडी मेरे से पहले अगर की है नीतीश कुमार में तो वो सीपी ठाकुर है। और सच्चाई यही है कि सीपी ठाकुर ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्यों और किस लिए करते हैं। जिस वक्त नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते सुधर और बिगड़ रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था, सीपी ठाकुर ही बिहार भाजपा की कमान थामे हुए थे। और आज नीतीश कुमार के इस टैक्टिक्स पे, तेजस्वी नीतीश के साथ आने के प्रयोजन पर सीपी ठाकुर ने अपने हाथ में कमान थाम ली है। मैं सुबह में ही कहा था आपसे कि कोई कागज पर लिखकर कमान नहीं दिया जाता है भाजपा में, वक्त के हिसाब से मोहरे आगे कर दिए जाते हैं। हाथी से हाथी लड़ेगा, प्यादा से प्यादा लड़ेगा, ऊंट से ऊंट लड़ेगा और वजीर से वजीर ही लड़ेगा। तो नीतीश कुमार का ये जो नया पैंतरा है प्रेशर पॉलिटिक्स का और जिसमें एक बड़ी सेंधमारी ओबीसी वोट बैंक में करने की तैयारी है, जो कि हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, भाजपा पोलराइज करके इस वोट बैंक को अपने पास करती है, उसी वोट बैंक में सेंधमारी की, नीतीश की, तेजस्वी की तैयारियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का भाजपा ने प्रण उठा लिया है। जहां एक तरफ भाजपा के लोग नीतीश कुमार के प्यार में अंधे हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा है जो जातिगत जनगणना से ध्यान हटाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात लेकर आना चाहता है। और अगर एक साथ इन दो मुद्दों पर नीतीश कुमार किसान आंदोलन सहित अगर भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं तो नीतीश कुमार को छोड़ने का भाजपा मन भी बना सकती है। और आज जिस तरीके से सीपी ठाकुर ने जो बयान दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं पहले पढ़ देता हूं उसके बाद फिर बात करेंगे कि आखिर कैसे नीतीश कुमार को रास्ता दिखा दिया गया है कि आपको पता तो है ना कहां से निकलना है, पिछली बार भी तो आप निकल ही गए थे, तो इस बार रास्ता खोजने में दिक्कत काहे हो रहा है। क्या लिखा है सुनिए। जनगणना का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाना उचित नहीं है।
हमारा स्पष्ट समझना है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। हमारा संदेश पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश होता है। जाति में समाज को बांटने का क्या मतलब? समाज में इससे और भेदभाव बढ़ेगा। सभी भारत माता के संतान हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। गरीब और अमीर हर जाति में होते हैं। गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। आवश्यकता है देश में जाति नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर जनगणना होने की। बिहार में अभी बहुत काम करना बाकी है। जरूरत है बिहार में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की। इसलिए जनगणना के बजाय इन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम अभी भी जात पात पर अटके हुए हैं। जाति आधारित जनगणना से देश को कोई फायदा नहीं होगा। जनगणना समाज हित के लिए है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, विपक्ष के सारे नेता, ओबीसी नेताओं का वो जमावड़ा जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, तेजस्वी के साथ, उन सब को एक बार उन्होंने कहा शट अप, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। गरीबी अमीरी के आधार पर जनगणना हो तो बात हो, नहीं तो ये ओबीसी या डीबीसी मत कीजिए हमारे साथ। क्योंकि बिहार में जाति के चलते ही अब तक जो भी, चाहे अब देख लीजिए, चाहे मारकाट हो, चाहे कोई अगर फील करता हो कि नहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो जातियां हर जगह आकर एक बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन बिहार की इस राजनीति से मौका मिला था सीपी ठाकुर जी को भी जाति हटाने का। एक जातिगत समीकरण के चलते ही सीपी ठाकुर जी को भी मौका मिला था बिहार में अध्यक्ष बनने का भाजपा का। और एक जाति विशेष के प्रेम में ही भाजपा बहुत मूर्छित रहती है। यानी स्पष्ट बात है, इनकी बातों में जहां एक तरफ नीतीश के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, नीतीश को बाहर का रास्ता दिखाने का भी एक मजलूम नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि सीपी ठाकुर जातिगत जनगणना से इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे सवर्णों का जो एक बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। ओबीसी की जाति की हमने आपको बात बताई थी कि जो पिछली बार जनगणना हुआ था उस आधार पर 70% के आसपास इनकी संख्या होगी, जो कि बहुत बड़ा डिसाइडर होगा पूरे देश भर में। और बिहार की बात करें तो मतलब आज से ही नहीं, एक जमाने से ही ओबीसी राजनीति बिहार में हमेशा शीर्ष पर रही है, निर्णायक रही है, और इसी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री चुने आते रहे हैं इसी समाज से। चलिए, तो बात स्पष्ट हो गई। जहां सीपी ठाकुर के बयानों से ये समझ में आ रहा है कि वो विरोधाभासी बात बोल रहे हैं, भाजपा के लोग ही उनके खिलाफ हैं, वहीं सीपी ठाकुर का सामने आकर इस तरह से ये बात कह देना भी इशारा करता है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा का पेशेंस अब जवाब दे चुका है और भाजपा ने नीतीश कुमार को सीपी ठाकुर के माध्यम से धीरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आगे चल के गिरिराज सिंह क्या बयान देते हैं, इन मुद्दों पर कौन सी चर्चा होती है भाजपा की, इन सब पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।